सब्सक्राइब करें माय चैनल ऑल ऑफ यू और घंटी के आइकॉन को प्रेस करके डेली नोटिफिकेशन पाए। चलते हैं आज की न्यू वीडियो की जानिब। हाँ, पता चली कि ये भी थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है, लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही है, जिसको ओरल सेक्स कहा जाता है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरी मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फिल्मों से और फोहश फिल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है। और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं जो इस में मुब्तला हैं। तो इसका भी मसला याद रखें कि अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी को हराम करार दिया, क्योंकि उसमें गंदगी है। बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी ओरल सेक्स में गंदगी होती है। अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए, बंदा इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है ज़ौजा से, वो मुंह में डिस्चार्ज हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगाह को गंदगी से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हमबिस्तरी को हराम करार दिया। तो मुंह जिससे इंसान खाना खाता है, जिससे कलमा पढ़ता है, और जो इंसान के जिस्म में सबसे अशरफ उज़ू है, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वज़ू है, उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है, कहाँ से हलाल हो सकता है? तो आज बाज़ मुतजद्दिद किस्म के लोग जो है ना, इसको हलाल करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात खूब जहन में रखें कि ओरल सेक्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर के डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में, बीवी के मुंह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी है और नापाक और नजस चीज़ है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि मनी पाक है, मगर याद रखें मनी के पाक होने के दलाइल मजबूत नहीं है, मनी के नापाक होने के दलाइल बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली दलील कुरान मजीद में आता है, अलम नखलुकुम मिम्मा इमहीन, हमने तुम्हें गलीज़ और पलीत पानी से पैदा किया, जलील पानी से पैदा किया है, तो इसमें भी इशारा है कि मनी नापाक चीज़ है। दूसरी बात यह कि हदीस में आता है कि कुंतु अफ़रुकुल मनी मिन थौबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा युसल्ली फीही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर अगर मनी लगी होती थी, सही बुखारी की हदीस है, मैं उसको खुरच के साफ़ करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। अब बाज़ हज़रात ने यहाँ से इस्तदलाल किया है कि मनी अगर नापाक होती तो हज़रत आयशा उसको धोती, खुरच के साफ़ करना इसकी अलामत है कि मनी पाक है, लेकिन ये बात गलत है। अगर मनी पाक होती तो हज़रत आयशा को खुरचने की ज़रूरत नहीं थी। बात यह है कि वो नजासत जिसका एक बाकायदी जिस्म होता है और वो खुरच के जिस्म से या कपड़ों से अलग हो सकती है, तो उस नजासत को पाक करने का तरीक़ा ये है कि उसको खुरच दिया जाए। नापाक थी तभी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं। और गीली मनी को नबी ये साबित है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से धोया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी शख्स को इत्तलाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए, तो हज़रत उमर ने उसको मना किया, फरमाया कि इतना काफ़ी था कि उस जगह को तुम धो लेते। तो इसमें भी हज़रत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं। किसी भी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि यार या अमीरुल मोमिनीन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, मनी तो पाक है। तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मजबूत हैं। बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है, उसको फिर धोना ज़रूरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारे तलवारों में दुश्मन का खून लगा होता था तो हम उसको ज़मीन पर अच्छी तरह रगड़ के उसी को लटका के नमाज़ पढ़ते थे। तो देखें, खून भी ऐसी चीज़ है कि जो सूखने के बाद उसकी एक पापड़ी सी जम जाती है, तो हालांकि खून को भी नापाक माना जाता है, जम्हूर उलमा के यहाँ खून नापाक चीज़ है, लेकिन सहाबी क्या कर रहे हैं, उसको रगड़ के ज़मीन पे और खुश जो उसको अच्छी तरह रगड़ के जब उसका असर ज़ाहिल हो गया तो उसी को लटका के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जैसे खून नापाक होने के बावजूद रगड़ने से पाक हो जाता है, अगर किसी ऐसी चीज़ पे लगा हो जो लोहे या ऐसी सख्त चीज़ पे, तो ऐसे ही मनी अगर कपड़ों पे लगी हो, खुश्क हो जाए, तो उसको अच्छी तरह जब खुरच दिया जाए तो वो पाक हो जाती है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मनी पहले से ही पाक है। एक और दलील मनी के नापाक होने की ये है कि जो मदी है, ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिस्म से निकलता है, वो अगर जिस्म से निकल जाए तो गुसल फ़र्ज़ हो जाता, वुज़ू फ़र्ज़ हो जाता है, और मनी निकल जाए तो गुसल फ़र्ज़ होता है। अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे वुज़ू फ़र्ज़ हो रहा है वो तो नापाक है, और मनी निकलने से जब गुसल फ़र्ज़ हो रहा है बड़ी वाली तहारत, तो उसको हम पाक करार दें? इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का मज़हब मनी के बारे में कि ये नजासत गलीज़ा है, और इमाम मालिक का भी यही मज़हब है, ये मज़हब बहुत दलाइल के लिहाज से कवी है। तो इसलिए
عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں، اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور ناپسند حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کہ ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے، اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی اس کے یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہمبستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی حکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہمبستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہمبستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔